पीछे उठा ले बेटा चला दी दीवारों की। एक दिन पहले घुमाया? हाँ जी। तेल एक दिन पहले घुमा के लाई है? नहीं, हमें अभी खरीद के लाया, हमें पता नहीं था। नाम बोल बेटा। राकेश। राकेश और उमा। एक मिनट, राकेश पूरा नाम क्या है? राकेश कुमार कश्यप। पिता का नाम? स्वर्गीय श्री मनीराम। स्वर्गीय श्री मनीराम। मनीराम। दादा का नाम? स्वर्गीय नंदूराम। स्वर्गीय नंदूराम। नंदूराम। और एड्रेस बता पूरा, गांव का है तेरा? श्यामपुर बाईपास। अच्छा, 512 आनंदपुरी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर का रहने वाला है जी? 512 मुजफ्फरनगर आनंदपुरी। वैसे देवबंद के हैं प्रॉपर, पिताजी वगैरह सब नहीं है। अच्छा, सपनों में पानी गिरता हुआ दिखता है? सपनों में पानी गिरता हुआ दिखता है? पानी दिखता है, नदी दिखती है, गंगा दिखती है? हाँ, ये चीज दिखती है। तो गिरता हुआ पानी? गिरता हुआ नहीं पता, पर यह है कि पानी में नहाना या फिर भागना दिखता है ना। और बाबू शरीर में भी थकान रहती है? अब थक चुके हैं। ठीक है ना, शरीर टूटा टूटा रहता है, ठीक है ना। और बीमारी हारी बीमारी बाबू चलती दोनों में ही है, कभी तू थकती है कभी तू थकता है, ठीक है। दिमागी से बंद लगता है, जैसे कि दिमाग बंद हो गया है, ठीक है ना। दिमाग ऐसा लगता है कि जैसे बंद हो गया है, जैसे कोई अड़चन लगी हुई है और चीजें हो नहीं रही है। हाथ पैर जितना मर्जी चला लो लेकिन लगता है कोई चीज रोक रही है, होता है ना ऐसे। परिवार में कोई भाई गया हुआ है बाल अवस्था में? बहुत सोच समझकर बताना, बहुत ध्यान से, क्योंकि पुरानी से अब तक की सारी चीजें आएंगी। दो बहनें तो गुजर रखी, बाकी और क्योंकि बाबू ये परिवार का सारा आएगा तुम्हारे, यानी चाचा ताऊ भी होंगे ना, उनसे भी रिलेटेड आएंगे, क्योंकि वो एक ही परिवार है तुम्हारा। चाचा ताऊ में एक का तो है जो कुआरा मरा था। तो फिर मतलब परिवार में तो हम हमारा पिता, तेरे कहने से हो गया परिवार, मतलब तेरा दादा है, उनके जो बच्चे हैं चाचा ताऊ, ये एक शक्तियों में शक्ति एक थाल पे देखती है। तुम तो बंटवारा करके अलग हो जाते हो, लेकिन ये पूरे परिवार की एक थाल मानी जाती है। उसमें अगर 5-50 भाई भी है ना, तुम अलग अलग हो लेकिन वो एक थाल के ऊपर हो, यानी शक्ति का अगर प्रकोप चलेगा तो सब में, कोई मरेगा पितृदोष होगा तो सब में चलेगा। तो वही तुम्हारा जो बाल अवस्था का भाई है वो बाबू एक तो तुम्हारे ऊपर चल रहा है। ये शरीर में जो हरारत बनती है ना, तुझे ऐसा नहीं लगता कि बुझा बुझा शरीर, टूटा टूटा शरीर? टूट गया है। तो फिर ये तो एक तो तेरे ऊपर ये चीज चल रही है बाबू, ठीक है ना, तुम्हारी अड़चन में चीज आ रखी है। और एक बाबू आधे पैरों में दर्द बनता है, किसके बनता है? फिलहाल तो मेरे यहाँ पे इस जगह है, जहाँ यहाँ मतलब पैरों का ही दर्द हो गया। समस्या मैं नहीं बता रही, जो चीज है जो बोलेगी मैं वही बात करूंगी, उससे ना आगे ना पीछे। और चलते हुए ठोकर भी लगती है, जैसे चलते ना पैर एकदम आपस में लड़ जाते हैं। तो ताजी बात नहीं है ये, पीछे से अब तक जो जो तुम्हारे साथ हुआ है वो बता रही। अरे हुआ तुम्हारे साथ ही, और ये परिवार में किसी का ऑपरेशन भी हुआ है? परिवार के साथ नहीं रहते क्या? तुम्हारा मेल जोल नहीं बेटा?
हम इस टाइम पे मतलब पैसा नहीं है हमारे पे तो हम बिल्कुल अलग है, बस केवल एक भगवान हमारे साथ है, तो कोई साथ नहीं है। तो बाबू खबर तो रखते होंगे परिवार की, माँ का हुआ था इनके ऑपरेशन ना पथरी का, तो फिर बोलते क्यों नहीं है? बाकी इनके परिवार के सब सुखी हैं, बस एक हम ही ऐसे दुखी हो रखे हैं, बस कुछ कहने तो बाबू संकट भी है ना, संकट तो चल ही रहा है। अब तुम ये बोलोगे हमारे पास ही संकट क्यों आया, तो ऐसा नहीं होता बाबू, संकट है अपना, कुछ कर्मा भी होता है, लेखा जोखा भी होता है, कुछ हमारी गलती होती है। अब तुम्हें लग रहा है कि हम बिल्कुल ठीक है, हम कोई गलती ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारी हिसाब से ही है, पर जो शक्ति देख रही है उसके हिसाब से तो कुछ गलती की है, समझ रहे हो बेटा? हम कभी सोचते हैं कि हम तो सही चल रहे हैं, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? बाबू कुछ गलतियां होती हैं, भले मेरी बात बुरी लगेगी बाबू, अगर माँ की बात समझ ली तो आगे रास्ता भी मिलेगा, ठीक है ना? तो थोड़ी सी कमियां हैं, गलतियां तुम्हारी ही है, ये चीजें जो तुम्हारे साथ हो रही है। अब तू बता तू काम क्या करता है, टीचर है ना, परेशान जबकि कोई कमी नहीं वैसे देखा जाए, सरकारी है प्राइवेट है? अभी कैसे भी नहीं, सरकारी में है सब कुछ, लेकिन तनख्वाह नहीं, लेकिन लेकिन तनख्वाह नहीं है अभी, पक्के में नहीं है, सब कुछ पक्का होते हुए भी मतलब रुका रखा है, तनख्वाह रुका रखा। अगर तू विश्वास कर ले सब कुछ सही हो जाए, तेरा सब कुछ सही चला दूंगी, फिर क्या करेगा? मैं इसलिए तो ये सोच के आया माता के दरबार में, 7 से 1 रुपया अभी नहीं मिला, और वहाँ काम कर ही रहा है, वहाँ पढ़ा रहा हूँ। पहले तो ये संकट कटवा जो तेरे ही घर का है बेटा, ठीक है? एक बाबू जाने अनजाने में तुम्हारी किसी बहन बेटी के साथ तुम्हारी कोई अनबन हुई थी बेटा, ध्यान से जवाब देना, वो दोष भी तुम्हारे सर चल रहा है। पहले बता दूं, भले ही उसने कुछ नहीं बोला है, लेकिन वो शक्ति की नजर में एक दोष बन के वो भी तुम्हारे ऊपर। एक बात बताओ कि बाबू, एक बहन हाँ। जो नीच जात में चली गई, अब हमारी तरफ से ना हम ऐसी जगह संबंध रखना चाहते हैं जहाँ सुअर पाले जाते हैं, अब हमारे घर वहाँ हमारे घर में आना होगा जाना होगा, जिस व्यक्ति ने ऐसे करके झूठ छल कपट से तंत्र मंत्र से घर में उसको अपना बना लिया, तो वो फिर हमारे घर में आना जाना करेगा, तो हमने जो है नकार दिया। मैंने कहा अगर वो यहाँ आएगी तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा घर, तो मैंने बताओ क्या गलत। हाँ तो बाबू देखिए तेरी सोच है, अब ये कि वो तो कर गई वो गलती, लेकिन कहते ना कि किसी का रास्ता रोक देना, तो वो जो दोष तेरे ऊपर पड़ा है तो तेरे रास्ते रुके पड़े हैं। बाबू मैं वो बात करूंगी जो दिख रहा है मुझे ना, तो तुझे पता मैं तुझे तो जानती नहीं ना, तुम लेके बैठी मैं तो नहीं जानती ना, पर बात तो निकाल रही हूँ तेरी, तो कौन निकाल रहा है बात, बैठी है तो तेरे पे जो दोष चढ़ा है क्योंकि तूने रास्ता रोका दीक्षा ध्यानी का, तेरा रास्ता रुका पड़ा है, और ये वाला जो रुका पड़ा है बाबू ये वाली, इसके लिए तुझे भगवती के दरबार में हमेशा 7 बार नाक रगड़नी पड़ेगी, और रगड़ते 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 अब ये इसकी इच्छा है कब तुझे माफ करेगी, क्योंकि रास्ता बेटी का रोकना, ये चाहे उसने कुछ भी गलती की, आज कौन गलत काम नहीं करा, लेकिन जब बच्चा गलती करता है तो बाबू उसे सुधारना भी तो है, अब वो कर चुका है गलती, लेकिन जब वो अपने माँ बाप को याद करके तुमको याद करके रोती होगी कलपते होगी तो बाबू कुछ तो निकलेगा ना। तू तेरी नजर में सही है ना, लेकिन वो दोष बाबू लग गया तो लगा हुआ। वो अजर काश वाले वो मतलब नीच जाति के हैं, वो आएंगे घर में, हमारे भी जवान बेटे हैं बाबू। मैं वो नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि एक रास्ता रुका वो अब तू देख, पर तुम पे दोष लगा हुआ है, हो सकता है कि कल को ये काम तुम्हारे बच्चे कर जाए हमारे ही कर जाए बाबू, समय का कुछ नहीं पता, ये कलयुग की दुनिया है जी। अगर ये कलंक लगना है तो लगेगा, तो अपनी धारणाओं को बदल दो, क्योंकि एक दोस्त से तो तुम अब नहीं उभर रहे, नौकरी सरकारी होते हुए वैसे तो इसका सरकारी हो गया, एक दोस्त से तो तू अब नहीं बच रही, तो फिर तेरी भी आगे बेटी है बेटा, फिर क्या करेगी? और तुम पढ़ाने वाले शिक्षक हो, क्या तुम समाज में मैसेज दे रहे हो? और ये मैं नहीं बोल रही, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है बेटा, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर एक दीक्षा ध्यानी का रास्ता रोक दिया, उसने शादी कर दी गलत जगह, लेकिन क्या उसका मन नहीं है अपने घर आने का, और ये दोष तेरे सिर चढ़ा हुआ है, कल को क्या तेरे बच्चों से भी गलती हो सकती है, फिर क्या कहेगी तू बता?
चीज को अपने ऊपर लेके देखो। आजकल बाबू आगे उस बेटी ने ये किया, कल को अपनी बेटी भी कर सकती है, क्या गारंटी है कि भी करेगी? समय का कुछ पता नहीं है। अपनी कोख में बैठा हुई बच्चा आज धोखा दे देता है, पता है समय का? तो उस नफरत को खत्म कर बेटा, ये दोष तभी खत्म होगा। वरना जितना मर्जी दौड़ लगा ले, पूछ लो तुम कितनी भगवती की पूजा कर ले बाबू, कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे तो इस चौकी से मुंह फेर लियो, लेकिन सत्य यही रहेगा। और ये सत्य किसी चौकी में निकल जाए तो मेरा नाम बदल दियो। जो आज बात निकली है ये कहीं निकलेगी? पहले भी तो कहीं रास्ता मांगा होगा, गए थे चौकी में तो घूमे हो, तो अब बताइए बात निकली कहीं? तो इसी से जान ले। और अब तक तू चौकी गई, रास्ता नहीं मिला, अब तो ये चीज कर, मेरी बात को मान के देख ले और फिर देख तेरा रास्ता कैसे खुलता है। तो अब इसका निवारण क्या हो सकता है माता जी? पहले तो उपाय दे रही हूँ, और नल से तू नफरत अपने दिल से हटा, इस बात को मिटा दे अब कि मैं तभी आऊंगा जब बोनी आएगी, तो मैं तब आऊंगा। इस चीज को छोड़ दे, ये बंदिश जैसी तूने बोला तेरा ऊपर दोष चढ़ गया। क्योंकि बेटी है, रू तो अपने भाई बहन माँ के लिए तो रोती है ना, और जब रोती है आंसू टपकते हैं, आज तू कितना रो रही है तो वो समझ रहे हो, कहीं ना कहीं दोष के ही कारण तो तू रो रही है, फंस गई ना, ये तो जीवन का चक्र है बेटा। लेकिन वो तो मिलते हैं आपस में सब, हम भी नहीं मिलते हैं, हम ऐसा कोई मतलब तो नहीं। फिर तो तुझे याद नहीं करती क्या? ये बच्चों को याद नहीं करती जो संबंध होता है बाबू? तू तो नफरत करके बैठ गया, पर तूने एक भाई बहन का तो रिश्ता खत्म किया है, ये भी तो एक पाप ही है सर पे। जो सत्य है वही बता रही हूँ। आगे बाबू मेरे माँ के दरबार में आना ना आना तेरी इच्छा है, बाकी मेरा काम है सत्य से रूबरू कराना, वो मैंने करा दिया। मान के चलेगा तो ठीक है, ठीक है नहीं मानेगा तो बाबू दोस्त तेरे सिर है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तू जितना मर्जी हाथ पैर कर ले, जितना मर्जी दान पुण्य कर ले, समझ रहा है ना, ये इस दोस्त को तो तू ही काट सकता है और तेरा परिवार यानी तेरी दोनों मिलके, बाकी कोई नहीं काट सकता। क्योंकि एक बेटी है ना, पूरा परिवार मिल रहा है तेरी तरफ से दीक्षा देनी, उस बेटी को पे क्या दान जा रहा है बता? लेकिन वो अगर घर में आके टोने टोट के करेगी तब उसके लिए क्या करेंगे बाबू? गलत सोच रखेगी ना, मैं नहीं बोल रही, समय तुम अपना खराब करोगे। नहीं माता, उसमें वहां देखा मेरे नाम का तावीज, मैंने अलमारी में रखा है। बाबू सुन मेरी बात, तू यहाँ आ रखा है ना, अगर तेरी ऐसे ऐसी पूछा बच्चे आते हैं ना जिन पे तुम विश्वास नहीं कर सकते, और साफ बता देती हूँ कि यह तेरे इसने किया है, मैं पीछे नहीं रहती। अगर ये चीज होती तो मैं मुंह पे बोल देती, अब जो ये बुलवा रही है वही बोल रही हूँ। ऐसा है ही नहीं, गलत धारणा लेके मत चलो, है ही नहीं, है ही नहीं। और ये भी नहीं कि जो दोष लगा है वो उसने कुछ किया है, तुम्हारे पे ऊपर अपनी गलती से दोष लिया है बेटा। तो इस चीज को बाबू खत्म करो, ये दोष नहीं तो बाबू सात पीढ़ियां चलेगा, सब कुछ होते भी खाली हाथ हो बाबू। तो क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ, ये दोष को काटना है तो भगवती के दरबार में सात बार नाक रगड़ा कर कि माँ जो मैंने बोल दिया, जो एक बहन का रास्ता बंद करवाया, मुझे इस रास्ते से आगे मुझे रास्ता दो, मैं इस चीज की और दिल से मांगी हूँ क्षमा, मेरे कहने से नहीं, अंदर रो के उस बहन को याद करके कि मैंने क्या किया है। ठीक है, अपना स्वार्थ मत देख बाबू, मैं यहाँ से ना यूं पकड़ लेती हूँ, यहाँ तू सोच रही है, यहाँ मैं पकड़ रही हूँ, इन चीजों को थोड़ा बदल अपने, क्योंकि महिला औरत के हाथ में ही अपने पति की कामयाबी। तो जो जाल बुन रही है मत बुन, वो सारा जाल तेरे पति के ऊपर चल रहा है, समझ रही है? ये जाल बुनना बंद कर दे, भले मैं तुझे मैं आज बुरी लग रही होंगी, लेकिन बाबू तेरी भलाई की बात करूंगी। ये दरबार लोगों के भले करने के लिए है, ना कि परिवार खराब करने के लिए, समझ रही है? तो ये मत देख, ननंद को नहीं आने देना, रास्ता खोल, माफी मांग, बाकी मैं बैठी हूँ और देख इसका काम कैसे नहीं चलता। ना चले तब बात कर, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं इस बारे में कि वो आए या ना आए। तू फिर कैसे बोलेगी, ताबीज रख देगी कैसे? मैं बैठी हूँ, जब मैं तेरा पूछा निकाल रही, तो फिर जब मैंने कहा दोस्त है तो तुझे ये कहना चाहिए था कि माँ तेरे भरोसे इस दोस्त को हमने काटना है, माफी मांगेंगे, तुझे ये बोलना चाहिए। तू बोली ताबीज रख देंगे तो तू और उल्टी मती घुमवा रही उसकी। नहीं इन्होंने देखा, मैंने नहीं देखा। अपना दिमाग मत चलाओ बेटा, कभी कुछ चीजें जो भगवान ने रिश्ते दिए हैं उसको निभाना ही पड़ता है। ये रिश्ते उस भगवती के दिए हुए हैं, इसे कोई नहीं काट सकता। इंसान ने जितना छल से काटा है तो वो खुद छलता है। तू क्यों परेशान है सब कुछ होते हुए, और जबकि तेरा तो सरकारी योग है,
उस जगह तू बैठा हुआ है, तेरा तो मान सम्मान दो बार तेरा मान सम्मान मिलते मिलते रह गए। अब बता झूठ बोल रही हो तो नौकरी के लिए तो बता, दो बार तुमने अपने हाथों से सिर्फ इस दोस्त की वजह से चीज आई भी चली गई, तो गलती किसकी है बाबू? तुम्हारी है। वो तो अपने घर में, उसको तो और बार कह रहा है ना कि वो घर में आ रही है, और उसे तो उसे प्यार मिल रहा है, औरों के सब तो दोष नहीं है, और उसे तो प्यार मिल रहा है, तो उन्होंने अपना खाता सही कर लिया, तो उनके सिर पे तो दोष नहीं है, तुम दोनों के सिर दोष क्यों दिख रहा है मुझे? तभी तो मैंने बोला ना बेटा दोष है दीक्षा दयानी का। ठीक है माता शक्ति दो बार रास्ता दिखाओ, इसको भी देख लेते हैं जैसे भी होता है, आप ही करो जो करना है। ये बोल, ये मतलब हम देखेंगे, देखना नहीं है उस चीज को, करना है और आत्मा से करना है बेटा। बाकी जो जो गलतियां तुमने की है उसको काटने के लिए पश्चाताप करो और चीजें बिल्कुल कटेंगी। अब मन में रखोगे जी ये चीजें चार दिन के लिए कर लेते हैं, हमने अपना रास्ता बनाना है, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो ठगों की ठग है, ये ठगों की ठग है, इसको कौन ठग सका है? ठीक है बाबू, अगर तेरे को अपनी माई की बात बुरी लग रही है नहीं, नहीं, मैं तो दर्शन हुए थे ये वाले वही पाए, मैंने सबसे पहले तो बस सोच ले, और इसीलिए तू यहाँ दर्शन आज तू आ पाया है, बुलाया माता ने, तो फिर बस तो पैसे नहीं थे, पता नहीं कैसे तो बस 30-40 रुपए रखे थे, तो बस क्यों बोला मैंने, सब कुछ होते हुए भी। ठीक है तो कोई बात नहीं, तू खुशी से एक दिन सेवा यहाँ भरेगा और कढ़ाई भी धूम धड़ाके वाले देगा, और कढ़ाई भी लूंगी, पैर के तेरे रास्ते खोलूंगी, लेकिन मेरे कहे पे चलेगा तब। ठीक है अपनी माई की बात मान लेगा तो सब कुछ वारे न्यारे हैं तेरे, नहीं तो पिसता रह जाएगा, पिसता रह जाएगा, मानसिक दबाव तेरे पे पड़ रहा है दिमागी, और तू परेशान रहता है, नींद तुझे आती नहीं है, दो-तीन दिन सोने लगा था। तो बता होता है ना दबाव पड़ेगा बाबू, कहीं ना कहीं तो असर पड़ेगा, 4 घंटे की तो फिर 4 घंटे की 2 घंटे में आ जाएगी बाबू, और ये मानसिक तेरा वो ज्यादा बढ़ेगा, आगे तो दिख ही रहा है वैसे भी, तो चीजों को बाबू वक्त से पहले संभाल लो। ठीक है अभी देखो मकान किराए का मकान है, मकान मालिक परेशान कर रहा है, इसकी फीस जमा नहीं हुई, रिजल्ट तो नहीं दिया, चारों तरफ से परेशान। तो बाबू इसीलिए तो रस्ते के लिए बनका, जो गलतियां हो गई उनकी माफी नामा लगाओ 11 रुपए की, हमसे जो गलती है माँ भगवती, जिस बहन बेटी का रास्ता रोका या मैंने जो बड़े कड़े शब्द बोले मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ, ना करना, और जब जब भगवती के दरबार में जाओ, क्योंकि ये भगवती तो माँ बेटी दीक्षा दयानी के अंदर ही बसती है, क्या तुम्हें नहीं पता? ये कलकत्ते वाली नारी के अंदर ही तो बसती है बाबू, चाहे वो अपनी घरवाली मान ले, चाहे वो दीक्षा दयानी बेटी मान ले उस परिवार की। ठीक है ना, तो इसीलिए क्यों कहते हैं दीक्षा दयानियों का अपमान ना हो, पूरी पूजा करी कराए असफल हो जाती है, और यही सत्य है। ये तो मैं मानता हूँ काफी टाइम से मन में ना कि पितृ दोष जिस तरह से होते हैं, ऐसे जो है बहन का और देव ऋण बहन लग रहा था ना बाबू, उस समय से महसूस तो होता है कि कहीं ना कहीं हम दोष में है, लेकिन ये दोष ही में बाबू, इसे दोष ही कहते हैं, अपने आप को तुलना करते हैं कि हमने गलती क्या करी बाबू, यही चीज, यही तो कि हमने क्या की तो हम वो सब भूल जाते हैं, तो अब अपनी गलती को मानना है, जब से तू अब गलती मानने लगेगा तुझे अपनी जिंदगी में सुधार दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, भले ही तेरी नजर में वो तो बाबू बच्चे से गलती हो गई ना, अब हो गई, अब वो भी तो इंसान है, उसको तो रिश्तों से तो नहीं काट सकता ना, समझ रहे? अब तेरा रिश्ता उस बहन से नाता तो था ना कहीं उसका तो रुका ना रास्ता, तूने उस दीक्षा ध्यानी को दान देना था, वो दान ही लगता है, अब वो तेरी तरफ से दान रुक गया तो क्या हुआ, तेरा अपना आने वाला स्रोत भी बंद गया, तो ये चीजें समझनी है, अगर ये तुम नहीं समझोगे तो फिर कैसे काम होगा आगे, तो ऐसे ही तो पीढ़ियां चली है, वरना अपने बीवी बच्चे में तो सभी है, दीक्षा ध्यानी को कौन पूछे, लेकिन इसीलिए तो शक्तियों ने दीक्षा ध्यानी को आगे किया है। परिवार माताई जितनी भी बहने हैं एक नहीं सब की सब इस तरह से हैं कि जब तक मेरा तनख्वाह आती थी तब तक सब पूछते थे, पर आज इतने टाइम हो गया एक फोन करना भी दुसार नहीं समझते बाबू, तो मेरी बात ये बताओ कि ये सब तेरे जो दोष लगा ना बाबू, ये माया जाल वही का है, ये तुझे ऐसा लगता है लेकिन तू अकेला होता जा रहा है रिश्तों से, ये दोष है बेटा, ये पैसा नहीं है, ये दोष है, बस मैं सच्चाई सच्चाई जो मैं बता रही हूँ, जैसे तू अकेला हो गया ना ये दोष के वजह से हो रहा है, और तुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये दोष है क्योंकि तूने रिश्ता काटे रिश्तों से ही कट रहा है, और जैसे तू इनको मानना शुरू कर देगा ना अपने आप ही सब मदद के लिए आगे आएंगे, बस इतना कर देंगे।
ठीक है ना, रिश्ते सुधर जाएंगे। लेकिन मान के चल, सच्चे दिल से अगर आज गलती मान के चल रहा है तो रास्ता 101% मिलेगा, तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। धैर्य रखना और विश्वास रखना और इस गलती को मानना, सब कुछ ठीक होगा। नहीं तो बाबू तुम्हारी ये गलती तुम्हारे बच्चों की झोली में पड़ेगी, ये होता ही है। तुमने तो भुगत लिया, फिर आगे बच्चे भुगते हैं, तो इससे अच्छा इसको अपने रहते ही काट दो। ठीक है बेटा, ठीक है बाबू।